गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक है। और अभी दिन का टाइम है, दिन के बज चुके हैं, 1:30 बजने वाला है, 1:15-18 जो है वो हो चुके हैं। और अभी मैं आई थी खेत में, घर का सारा काम निपटा के, यही घर के पास वाला जो खेत है तो इसमें मैंने लगाए थे कुछ राजमा, और वहाँ थोड़े से एरिया में अदरक जो है वो लगाया था। थोड़ा सा अदरक था ना घर में पड़ा हुआ, और ये खेत खाली था यहाँ पे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये लगा दिया था। नज़दीक में ना फिर निंदाई के लिए भी ठीक रह जाता है। तो अदरक जो है वो भी थोड़ा बड़ा हो चुका है, और इसमें मैंने राजमा लगाए थे, जो पहाड़ी राजमा होते हैं ना। ये देखो राजमा की जो बेल है वो चल पड़ी है, देखो ये देखो, ये राजमा जो है ना ये बेल वाले हैं। लेकिन इसमें पता क्या हुआ, एक तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना हमारे यहाँ पे कि राजमा की हालत बहुत ख़राब है। क्योंकि ज़्यादा बारिश भी ना ख़राब होती है, उससे फिर क्या होती है ना, इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ जाती हैं, और राजमा जो है वो पौधे सड़ने लग गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने सड़ चुके हैं इसमें, बीच बीच में बहुत सड़ चुके हैं। यहाँ पर मुझे दोबारा से लगानी पड़ेगी, और अभी मैंने इसमें गुड़ाई करी, ये देखिए, और मैं झम्बे लेके आई हूँ। थोड़े थोड़े छिट्टे जैसे है ना जो, वो मैं इसमें लगाऊंगी। और सार्थक जो है वो चप्पल धो रहा है, पर उसकी रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि खेत जो है बिल्कुल गीला है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जितने भी पौधे इसमें बचे हैं ना, उसमें मैं झम्बे लगा देती हूँ, एटलीस्ट वो तो थोड़े ऊपर चढ़ जाएंगे तो वो ना फिर सड़ेंगे नहीं। अगर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाती है तब तो वो भी सड़ने के उनके चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर झम्बे लग जाएंगे तो बहुत कम हो जाते हैं परसेंट सड़ने के। चलिए अभी झम्बा जो है यहाँ पे इसमें लगाना शुरू करते हैं। और जितने मैं खेत में पहुँची उतने जो है पतिदेव और नैना भी आ चुके हैं। इन्होंने है नहाना, क्योंकि डेथ में गए हुए थे ना, एक जगह पर जहाँ डेथ हुई थी वहाँ बैठने गए थे, तो हमारे ना आके नहाते हैं। फिर ये देखो अरबी के पत्ते, इसमें बीच बीच में ना पिछले साल की अरबी भी थी, वो भी उगी हुई है। और ये देखो अदरक कितना अच्छा हुआ हुआ है, मेरा अदरक काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये देखो अदरक काफ़ी बड़ा हो चुका है इसमें, और बीच बीच में ना इसमें अरबी भी है, क्योंकि इसमें हम हर साल लगाते रहते हैं ना, तो बीज जैसे कोई पीछे रह जाता है तो वो इसमें आ जाता है। तो बीच बीच में अरबी है, और बीच बीच में ये देखिए राजमा है। और अभी मैं चलती हूँ, तो अभी अभी मैं झंडे लेकर आई, और ये देखो ये बाजू भी काली होगी उससे, ये इसलिए ना क्योंकि जो छिट्टे हैं वो सड़ चुके हैं अब, मतलब उसकी जो बाहरी परत है वो सड़ चुकी है। उसको जब उठाते हैं ना तो गिल्ली थे वो, उसको मैं उठा के लाई और रखे मैंने वहाँ पे, तो वो लग गए सारे कपड़े जो है वो गंदे हो गए। तो क्या होता है ना कि कभी खेत में जाते हैं ना तो हम ऐसा स्पेशल सूट वगैरह रख लेते हैं एक, जो खेत के काम के लिए होता है, तो फिर सारे जो होते हैं ना वो नहीं होते ख़राब ऐसे। अभी मुझे करना है पानी गर्म, अब मैं गीज़र ही करती हूँ ऑन, मुझे लगता है शायद चूल्हे वाले नलके में तो पानी नहीं है इतना गर्म, इसी में करूँगी। और मैंने लगाई थी बच्चों की ड्रेस भी धुलने को, आज है बुधवार, बुधवार को मैंने नैना और धैर्य दोनों की ड्रेस जो है वो धो देती हूँ। आज धैर्य का ट्रैक सूट गया है, नैना के लिए मैंने दो रखी हुई हैं, तो एक आज धोती हूँ, आज दूसरी दूँगी, फिर कल को जो धुली भी होगी वो दूँगी। तो इस करके अच्छा लगता है। और कपड़े तो मैंने सुबह ही लगा दिए थे मशीन में यहाँ पे धुलने को, लेकिन मैं ना फिर आगे से आगे दूसरा काम लग जाती हूँ ना करने, और फिर ये वाला फिर छूट जाता है। अभी इसको भी करूँगी, और पतिदेव के लिए पानी गर्म करती हूँ। हाँ चलिए चलते हैं। देखिए ये हमारे अपने खेत की शिमला मिर्च है, और बीन है सब्जी के लिए लाई हुई है। आजकल ना शिमला मिर्च में देखो ये ऐसी ऐसी लगी हुई है बीमारी, ज़्यादा बारिश होती है ना उससे देखो इस तरह की हो जाती है। तो ये वाला हिस्सा जो साफ़ है ना उसको सब्जी के लिए हम काटेंगे, बाकी वाला हिस्सा ख़राब वाला हिस्सा हम ख़राब कर देंगे। इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं ना खेत में फेंकते हुए बिल्कुल मन नहीं करता इनका, देखो कितनी बड़ी बड़ी है। तो मैंने कहा कि घर को ले चलते हैं, थोड़ा थोड़ा है, देखो ज़्यादा बारिश से हो जाता है ये भाप से ना, और ये सब्जी के लिए काम आएंगी। और ये है अपने घर की बीन हमारी, तो इनको बनाऊँगी शाम को। बहुत ज़्यादा बातें जो है वो हो रही है, अभी पतिदेव बोलेंगे कि पहले पानी गर्म कर ले उसके बाद बोलियो वीडियो में। तो मैंने गीजर ऑन कर दिया, और सुबह धैर्य नहाया होगा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नहाया, और उसने कपड़े यहीं पे छोड़ दिए हुए हैं गीले, इनको धोना पड़ेगा। उसका ये है ना जो वो नहाता है ना, ये हमारे अंदर वाला है एक बाथरूम, काफ़ी बड़ा है ये, ये भी हमने कंबाइंड बनाया, लेकिन ये ना काफ़ी बड़ा है। ये देखिए यहाँ में मतलब काफ़ी जगह थी, इसमें मैं कुछ और चाह रही थी बनाना,
लेकिन फिर हमने नहीं बनाया। मैं क्या अब आगे देखेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही किया था। ये फंस गया आजकल ना, ये दरवाजे इतने पक्के हो जाते हैं, मेरा मतलब पानी ले लेते हैं ना, तो उस वजह से। और ये उसने धोने को डाल दिए थे, मतलब नहाते हुए ले लिए थे, ऐसे ही ना नीचे रख दिए थे गीले हुए हुए। अभी इनको भी धोना है। अभी मैंने डाली है ड्रेस धोने को, ये देखिए नैना की वाइट शर्ट है, साथ ढेरे की वाइट शर्ट है, और पानी इसमें थोड़ा कम ही है, अभी पानी मुझे उठाना था। चलिए ये सारा काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो भाई बारिश का तो क्या ही बोले भगवान, मतलब सुबह साफ था मौसम और दिन में बारिश हुई थी। देखिए सारा नीचे गीला गीला हो रखा है, और मैं आई हूँ अभी कारशेड का काम करने के लिए। ओए ओ मैडम, एक खाने के लिए तिखरली, तू हमेशा इसी में क्यों गई हुई होती है, हैं? बाहर निकल निकल बाहर निकल निकल, ठहर जा। तो अक्सर मुझे ये मैसेज आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं कि कभी आप पूरा स्पॉन्ज किस तरह से बनाते हैं वो दिखाइए। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास आधा किलो के केक का ऑर्डर आया था, और इसलिए मैंने 6 इंच का केक टिन जो है वो ले लिया है। आप चाहें तो 5 इंच का भी ले सकते हैं, 5.5 इंच का भी ले सकते हैं। तो उसमें ना हाइट थोड़ी ज़्यादा आती है, 6 इंच के केक टिन की हाइट जो है थोड़ी सी कम होती है। तो 6 इंच का केक टिन लिया है, इसी के बराबर जो है नॉर्मल पेपर होता है ना वो मैंने काट लिया है। बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर पेपर ना हो तो ये वाला भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैंने रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लिया अच्छे से केक टिन को, और ऊपर से बटर पेपर लगा दिया है। और अभी इसको केक टिन को सबसे पहले हमें रेडी करना होता है, उसके बाद बटर जो है वो बनाना होता है। तो अभी मैंने आधा कप से थोड़ा कम पानी लिया है, पूरा आधा कप नहीं लिया है। तो जब भी हम केक जेल के साथ बनाते हैं केक, तो पानी जो है वो हमें थोड़ा कम ही यूज़ करना होता है। अगर केक जल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आधा किलो की केक में आधा कप पानी जो है वो पूरा लग जाता है। और यहाँ पे प्रीमिक्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं। मैं डिवोर का प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ, ट्रोपोलाइट का, और कभी केक टाइम का भी, मतलब जो मिल जाता है मार्केट में वो ले लेती हूँ। सभी मतलब सभी का बनाने का तरीका एक जैसा है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वो जब हम बनाते हैं ना वो हमें तभी पता चलता है, क्योंकि हर एक केक प्रीमिक्स की रेसिपी जो है ना थोड़ी बहुत हटके है। कई बार जो हमारा स्पॉन्ज जो है वो बहुत चिपचिपा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, तो थोड़ा रेसिपी में अगर गड़बड़ हो जाए तो ऐसा होता है। और अभी जो केक जेल के साथ मैंने झाग बनाई थी फोम, ये एग रिप्लेसर का काम करता है, जो हमारा केक कॉन्सेंट्रेट भी बोलते हैं इसको, जेल बोल लीजिए अभी। और एक कप मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया, और फिर उसको ना 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स किया। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अभी 1 से 1.5 मिनट के लिए और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। वैसे प्रीमिक्स में इतना फ़र्क पड़ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और अच्छे से मिक्स होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से डिज़ोल्व हो जानी चाहिए, और हाथ में ना दर्द भी हो जाती है कई बार। तो ये देखिए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर जो है वो होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं रिबन कंसिस्टेंसी, मतलब एकदम से थक्के की तरह नहीं गिरना चाहिए, और बिल्कुल ही एकदम से फ्लोई भी नहीं होना चाहिए कि एकदम से सारा नीचे गिर जाए, तो धीरे धीरे आए, उस तरह से होना चाहिए। अभी केक टिन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया बैटर को, सारा का सारा डाल देंगे हम इसमें, और 2-3 बार इसको टैप कर लेंगे ताकि कोई भी एयर बबल होना वो निकल जाए। तो पतीले को मैंने 10 मिनट पहले ही लगा दिया था प्री हीट करने के लिए इंडक्शन पे। मैं ज़्यादातर इंडक्शन पे बनाती हूँ केक, अब चूल्हे पे बहुत अच्छा बनता है, चूल्हे पे भी बनाती हूँ, गैस पे भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे इंडक्शन जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो यहाँ पे मैंने 200 पे टेम्परेचर सेट किया हुआ इसका, इससे कम है ही नहीं इसमें। अगर इससे कम होता तो शायद मैं 180 पे या 170 पे करती। तो 200 पे मैंने इसको लगाया है, 25 से 30 मिनट के लिए बेक करूँगी, और बहुत अच्छा केक जो होता है बेक होता है इस तरह से गाइस। तो टेम्परेचर जो है ना वो बहुत मायने रखता है केक स्पॉन्ज बनाने में, और अगर केक स्पॉन्ज अच्छे से बन गया तो बहुत ही अच्छा सा लगता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पर सभी ठीक हैं। और आज है वीरवार, अभी है दिन का टाइम ठीक 12:02 हो चुके हैं, और मुझे जाना है अभी खेत में, क्योंकि मैंने थोड़ी सी दाल जो है वो रखी हुई है, ये देखिए,
और कुछ यहाँ पे भी है, ये अलग अलग टाइप की है ना, ये देखिए मिक्स मिक्स राजमा जो होते हैं वो है। तो ये मुझे लगाने हैं खेत में, और कुछ लगाए हुए हैं उसमें झम्बे भी लगाने हैं, तो चलते हैं। और मेरे पास आया हुआ है आज केक का एक ऑर्डर, तो केक जो है वो मैंने बेक करके रख लिया है, ठंडा हो जाएगा, मुझे ये शाम को देना है। तो लेने ही आएंगे यहाँ पे घर में जिनका ऑर्डर है। हाफ के जी का केक है और इसको भी बनाऊँगी। चलिए पहले आज खेत में लेके चलती हूँ, आपको खेत में दिखाती हूँ क्या क्या काम जो है वो चला हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी दो तीन दिनों से ना मेरी तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हुई भी है अपने सिर में, गर्दन में। तो मैं ना वीडियो एडिट करके आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, और ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। देखिए, अगर आप इस तरह से स्पॉन्ज बनाएंगे ना, तो देखिए इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ना जलेगा ना कुछ भी नहीं, और स्पॉन्ज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है, बहुत ही अच्छा। तो ये व्लॉग जो है कल से मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं और ज़्यादा वीडियो एडिट कर सकूं। उम्मीद करती हूं कि मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल आपके साथ शेयर करूंगी खेत में मैंने क्या काम किया, केक की डेकोरेशन किस तरह से करी। तो प्लीज़ 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 चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। आज के व्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खाते पीते रहिए। जय सिया।